की रिकॉर्डिंग यहाँ पे किस मूवी की हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हमारी हिंदी फिल्म है, फिल्म का नाम है गलतियाँ। और गलतियाँ हर इंसान अपनी लाइफ में करता है और कुछ करके सीखता है। और मतलब कुल मिला के मतलब हमारी इस फिल्म का जो मकसद है, एम है, जो आने वाली जो जनरेशन है आजकल की जो फिल्म देखेगी उसको हम ये मैसेज देना चाहते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में गलतियाँ ना करें। और इसी हिसाब से हमने स्टोरी को पूरा बनाया है। और बिल्कुल, और रही बात म्यूज़िक की, अभी इस टाइम हम म्यूज़िक के सिलसिले में ही बात करना चाहते हैं क्योंकि म्यूज़िक का काम आज हो रहा है। म्यूज़िक आज के यूथ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने म्यूज़िक को तैयार किया है, और जिसका म्यूज़िक कंपोज किया है मलिक भाई ने, और इसका लिरिक्स लिखा है श्री संधू जी ने, और इसका जो सॉन्ग है जो आपको बताएंगे। वलीक भाई आप क्या कहना चाहेंगे, जो डायरेक्टर हैं आप मूवी के, तो किस तरह के गाने इसमें आप दे रहे हैं, युवाओं का कितना आपने ख्याल रखा है, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले जो आज जो सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा है, हम लोग वॉइस रख कर रहे हैं। फर्स्ट सॉन्ग हीरो एंट्री एक सॉन्ग है, उसमें एक स्टाइल भी है हीरो और एक यूथ का पूरा जोन है उसके अंदर, स्टाइल है, एक पंच है गाने में, थोड़ा सा पैपी भी, हैप्पी भी है, पैपी दोनों है। तो मेहता भाई की बहुत अच्छी मेहनत है, उन्होंने मुझे अच्छा ब्रीफ दिया है सबसे पहले कि एंट्री बहुत अच्छी आ रही है उसके अंदर हीरो की। और फर्स्ट सॉन्ग जो हमारा फिल्म का है, हमारे रिंकू जी ने बहुत अच्छी वॉइस में इसको गाया है, बहुत ही प्रेशर से गाया है, प्रेशर मीन्स इतना एनर्जी गए कि एक भी गलती नहीं इसमें। तो रिंकू भाई है, बहुत अच्छा इन्होंने किया है वॉइस। देखा था रिकॉर्डिंग के दौरान आपने कई बार रिटेक करवाए? हाँ वो भी है। कैसे बारीकियाँ पकड़ पाते हैं? नहीं एक्चुअली बारीकी इतना पकड़ पकड़ के खुद का आदत उतनी हो चुकी है मुझे कि बारी क्या पता चल जाती है कि कहाँ गलत है कहाँ सही है। लेकिन रिंकू जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपके प्रोजेक्ट की बात करें तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट का कोई? अपकमिंग मेरी शॉर्ट मूवीज़ एक रिलीज़ हो चुकी है, ट्रिपल तलाक आ चुकी है, और धारा 370 आर्टिकल शॉर्ट फिल्म आ चुकी है। प्रेजेंट में एक मूवी एक और कर रहा हूँ, और मेहता भाई के साथ में तो कर ही रहा हूँ ऑलरेडी। आप अपने इंट्रोडक्शन साथ बताएं, कैसा लगा आपको गाना आज का? गाना बहुत अच्छा, कंपोजिशन जब मैंने सुनी भाई ने मुझे भेजी तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और बाकी लिरिक्स भी बहुत अच्छा है, जो आज की यूथ के लिए, जो आजकल जनरेशन, और इजी वर्ड मतलब होते हैं होने चाहिए, यानी कि मुश्किल समझ में ना आए, तो वो सब अच्छा है। और गा के भी कंपोजिशन भी काफ़ी अच्छी बनाई है इन्होंने, तो गा के अच्छा लगा। मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों को दो लाइन आप एक लाइन इस गाने का सुनाएं। गलतियाँ मेरे आगे करने का नहीं, गलतियाँ मेरे आगे करने का नहीं, कर दूंगा सबकी आदतें सही। और गलतियाँ मेरे आगे करने का नहीं, कर दूंगा सबकी आदतें सही। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। युवाओं को कितना भाएगा ये गाना, क्योंकि आप भी युवा हो? हाँ, तो गाने में देखा हूं, मेरे हिसाब से गाना जो है मतलब बहुत ही जो आज के यूथ के लिए लिरिक्स वाई और ट्यून वाई मतलब बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा लगेगा फिर। तो गलतियां में इसके साथ साथ और कितने गाने होंगे आपकी फिल्म में? अभी ये डिसाइड करेंगे मेहता भाई हमारे, कि हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं सॉन्ग्स में, तो मेहता भाई ज़्यादा बारे में आपको बता सकते हैं इस बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या होगा सर? आपके प्रोजेक्ट की बात करें तो आपके प्रोजेक्ट कौन से हैं सर? अगले आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट या आपने और कुछ प्रोजेक्ट में काम? काफ़ी हैं, बहुत सारे गाने अभी आजकल, तो अभी क्या कहें कि काफ़ी अभी तो हाँ वो तो हाँ वो मुबारक, मैंने इससे पहले मुबारक में काफ़ी अच्छा सॉन्ग था वो, अनिस बज्मी जी की फिल्म, अनिल कपूर जी अर्जुन कपूर के पीछे मैंने किया प्लेबैक, और भी काफ़ी मैंने गाई हैं फिल्म, और अभी आने वाली, अभी तो थोड़ा ट्रेंड चेंज ही है, एक गाने को अभी छः छः सिंगर गाते हैं, तो पता नहीं है अब किस, अभी इनका किया है वो भी आने वाला है। तो फिल्म में प्लेबैक म्यूजिक भी आप दे रहे हैं आपकी तरफ से, आपकी आवाज़? मैं हाँ प्लेबैक मतलब मैं गा रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ, बाकी सब इनका म्यूजिक इनका है। ठीक है, फिल्म को कहाँ कहाँ आपने अब तक शूट किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या तैयारियाँ चल रही हैं आपकी? मेरी गलतियों का सामना आपको काफ़ी करना पड़ेगा, और आप लोग के जरिए ही मैं गलतियाँ सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, किस कारण कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। एटलीस्ट 50% शूटिंग हो चुकी है हमारी, क्योंकि अभी हमारा आउटडोर था हरियाणा, हमें वहाँ से भी पब्लिक का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला,
और मुंबई से भी हमारे दोस्त म्यूजिक डायरेक्टर एटलेस हमारे सिंगर जी, हमें राइटर जी, हमारे डायरेक्टर मेहताब खान जी काफ़ी हिम्मत दे रहे हैं मुझे इस पिक्चर में जोश लाने के। फिल्म के प्रोड्यूसर बिल्कुल एंगेज, डायरेक्टर एंगेज, गायक एंगेज, सारे युवाओं को ही हमने जोड़ रखा है, बात क्या है? एटलीस्ट जमाना ही वही है ना, जमाना ही वही है, तो युवा के साथ काम करने का मजा ही कुछ और। अभिनेत्री कहानी की बात करें तो कैसी कहानी है आपकी इस फिल्म में? कहानी एक लड़के की गलतियां हैं, उन्होंने जो गलतियां की है ना हम उनको लोगों के सामने रख रहे हैं कि उसने किस मजबूरियों में गलतियां की है और क्यों गलतियां की है, ताकि कि लोग उसको देखें, देखने के बाद उसको समझें हम ये गलतियां क्यों कर रहे हैं। संदेश की बात करें तो क्या संदेश लेके आपकी फिल्म निकल रही है समाज में? समाज के युवाओं को खास करके एटलीस्ट क्या होता है, युवा ही ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं। गाने कितने हैं फिल्म में? 4 गाने हैं। चारों किस तरह के गाने हैं और प्यार वाल का कितना ख्याल रखा है आपने मूवी में? प्यार तो आजकल का ज़माना में चलता ही है, अगर प्यार ना हो तो कुछ नहीं है। ये एक लव स्टोरी भी है, लव स्टोरी के जरिए ही बताया गया है कि लव स्टोरी किस तरीके की होनी चाहिए। दो तरीके की लव स्टोरी होती है, एक तरीके की होती है तो गलतियां करके जैसे कि मैंने की है, और एक होती है अच्छी सीधी सादी लव स्टोरी जिसमें सब लोग खुश होते हैं। और इसके पहले कि आपके प्रोजेक्ट की जानकारी देना चाहूँगा या अपकमिंग में और कुछ क्या तैयारी चल रही है दूसरे प्रोजेक्ट के लिए? हाँ, इसके बाद बहुत जल्दी बड़ी पिक्चर आने वाली मेरी हिंदी। नमस्कार, मैं श्री सिंधु, गलतियां फिल्म का लिरिसिस्ट, और आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका नाम है गलतियां मेरे आगे करने का नहीं। गाना आप कर दूंगा सबकी आदतें सही, और इसे बहुत ही खूबसूरती से म्यूज़िक दिया है मलिक साहब ने और हमारे ब्रदर ने गाया है। इस फिल्म से मेरा जुड़ना इस तरह से हुआ कि एक दिन मुझे फ़ोन आता है माधव जी का और कहते हैं मुझे फिल्म शुरू करनी है अपनी। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। इन्होंने मुझे किस्सा सुनाया अपने हीरो का और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे अपने हीरो का कैरेक्टर डिस्क्राइब किया। आफ्टर दैट मैं बैठा और बहुत ही सोच समझ के फिर ईजी शब्दों में एक कैरेक्टर लिखा गया हीरो का कि अगर एक आइडल पुरुष अगर हीरो होता है तो कैसा होता है, जो सबकी आदतें सही कर दे वो हीरो है। इसी प्रकार ये गाना लिखा गया और लिखने के तुरंत कुछ मिनटों बाद मुझे एक डेमो आता है जो मलिक साहब भेजते और बहुत ही खूबसूरत गाना शुरू और बहुत अच्छा गाना बना है और आज हम इसी गाने के सिलसिले में बैठे हुए हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। मलिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितनी उम्मीद है इस फिल्म से, इस गाने से आपको? उम्मीदें तो बहुत है, और क्योंकि मलिक नाम बहुत बड़ा है। अच्छा, काफ़ी बड़ा नाम है आपका, नाम बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच जी। बस आप लोग की दुआ आशीर्वाद रहेगी तो सब काम अच्छा होगा, और सर की दुआ तो है, मेहता भाई की है, विनोद भाई की है, इसमें लगन प्यार तो सबका ही फोर्स अच्छे से मिल रहा है, तो जाहिर बात है काम भी अच्छा होगा। अच्छा, शुरुआत खुशी होगी फिल्म रिलीज होने के बाद या रिलीज होने के कुछ पहले जब आप गाने रिलीज करेंगे? हाँ जी, युवाओं के जुबान पे ये गाने आपके लोग बुलाते हुए दिखेंगे, कुछ खुशी आपको होगी? बहुत, हमें भी खुशी होगी और सबको, आपको भी होगी, सबको होगी, क्योंकि गाना ऐसा है कि सबकी जुबान पर चढ़ जाएंगे, है ना, तो वो तो ये हिट होना ही है जहाँ ऐसा दिल बोल रहा है हमारे सबका, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। विनोद जी, गलतियाँ जो गाना भी आप शूट कर रहे हैं, कुछ कॉलेज और इसका गाना है, थोड़ा सा गाने का बोल सुन के लग रहा है कुछ? हाँ, कॉलेज का, ये कॉलेज में ही शूट होने वाला है, कॉलेज का ही। और कुछ कहना चाहेंगे अपनी फिल्म को लेकर क्या? बस अभी तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, इस पिक्चर को जितना हो सकते उतना आप टीआरपी बढ़ा दीजिए, इसकी लोगों को मैसेज पहुंचा दीजिए, आपके जरिए ही मैं आगे रनिंग कर सकता हूं। आप अपने चाहने वालों से क्या कहेंगे, आप फील करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि गाना बहुत अच्छा है, लिरिक्स बहुत अच्छा है, गाने को सुने एक बार ज़रूर ध्यान से, तो म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। ज़्यादातर क्या होता है, म्यूज़िक के ऊपर ही ध्यान रहता है, वो वर्ड गाने का ही हम सुनते हैं, उनका एक ही वर्ड समझ में आता है, बाकी क्या चल रहा है समझ में नहीं आता, तो सुनने भी तो सुने ध्यान से उसको। विनोद जी, आपसे एक आखिरी सवाल, फिल्म कब तक रिलीज कर रहे हैं, थिएटर पर कब तक पहुँचे? मार्च में 2020 में फिल्म मार्च 2020। थैंक यू, और गलतियां का इंतजार रहेगा लोगों का।